हाँ जी, तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो मैं आपकी जिंदगी का कीमती समय से 5-7 मिनट लेके आपको बताना चाहूंगा एक कॉमेडियन के बारे में जिसने एक शो जीता लेकिन तब भी जीता नहीं। एक कॉमेडियन के बारे में जिसने एक ऐसे गेम को रिवाइव करने की कोशिश करी जो अपन सबके पास में अपन को जन्मदिन के तोहफे में मिला है और किसी अलमारी के अंदर में दफन हो रहा है। एक ऐसे कॉमेडियन से जिसने कॉमेडियन से यूट्यूबर में इतनी जल्दी धर्म परिवर्तन करा जितनी जल्दी धर्म परिवर्तन करते हैं हिंदू कश्मीर में फोर्सफुली। समय रहना, शुरू करें। तो ज्यादातर यूट्यूबर्स के मामले में वो कब पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए, किसने उन्हें कैसे पैदा करा सब पता रहता है पहले से, क्योंकि वो खुद ही 2-3 वीडियो बना देते हैं, लेकिन इनके बारे में इतना नहीं पता। तो थोड़ा रीकैप दे देता हूँ। तो समय भैया का जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में, वहां से वो आ गए हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर में उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी, वहां से फिर वो चले गए दिल्ली, वहां से पहुंच गए मुंबई, फिर करा कॉमिक्सन, और अब तुम सोन सबको जानते हो, पता चल गया सबको। तो सबसे पहला सवाल जो एक कॉमेडियन से पूछा जाता है, ये कॉमेडी में आखिरकार घुसे तो घुसे कैसे? तो स्कूल में इनको दबा के बुली कराया जाता था क्योंकि ऊपर से नीचे आए थे, हैशटैग व्हाइट मुंडे प्रॉब्लम। तो अकेलेपन से बचने के लिए इन्होंने बनाया जूनियर्स को अपना दोस्त, मुझे तो पता भी नहीं था ये पॉसिबल होता है, मैंने कॉलेज के अंदर में बनाया था तो मुझे पता नहीं क्यों पेडोफाइल कह रहे थे। लेकिन अकेलेपन से बचने के लिए अपने पुलिस को ये पत्थर मारे हो तो चलेगा नहीं, तो इन्होंने जूनियर्स को अपना दोस्त बना लिया। लेकिन इन्होंने सोचा कि इनको अपने रूट से डिटैच नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने उन पे जोक्स फेंक के मारना शुरू करे। मेरे पास एक जोक है, तुम लोग सुनोगे? हाँ हाँ सुना। एक हाथी था, एक चींटी थी, हाथी चींटी के पास जाके बोलता है, मेरा कितना बड़ा है दिमाग। पत्थर फेंक के मारो साले। वो पुलिस को ये आज तक नहीं भूले हैं। I still remember everything. Forgive but never forget. तो हंसते हंसाते इन्होंने सोचा चलो कॉमेडी कर लेते हैं, पहुंच गए कैफे के अंदर में, ओपन माइक के अंदर, वहाँ पे ये लोग अपने ही दोस्तों को ले जाके इन्होंने बैठा दिया और वो इनकी जोक्सों पे जोर जोर से हंस लिए। पहले बार मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं ओपन माइक में कर रहा था, I taken 19 of my friends. वो लोग मेरे ही जोक पे हंस रहे थे, मैं उनको पता किसी के और। फिर क्या था, कॉमेडी करनी आती थी, कॉन्फिडेंस इतने भाड़े में ले लिया, बन गया कॉमेडियन। नोट्स बना लो, कभी भी कॉन्फिडेंस चाहिए अपने दोस्तों को ऑडियंस से बैठा देना, वो हंस देंगे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है, तुम्हारे दोस्त हरामी हो। फिर दूसरा सवाल जो सारे कॉमेडियन से पूछा जाता है, विश्वास सर आप इतने फनी कैसे हो? क्या बोली? समय सर आप ही बता दो, आप इतने फनी कैसे हो? मैं सुबह सुबह उठता हूँ, चाय में 2 घूंट आयरनी के मिला के पीता हूँ, गर्लफ्रेंड आ जाती है तो 2 बेल्ट उसमें लगाता हूँ, नहीं आती है तो 2 बेल्ट अपनी बाई में लगाता हूँ। कैसी बेहूदा बातें कर रहे हो? तू कैसे बेहूदा सवाल कर रही है, कौन कैसे फनी होता है पागल साली? लेकिन मुझे पता है उसके लिए आपको अपने पास्ट ट्रॉमा को सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो अब तो मैच्योर हो जाओगे, उसको आपको संभाल के रखना है और उसको इतनी अंदर घुसाना है अपने, इतनी अंदर घुसाना है अपने कि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए। जैसे इन्हें बुली करा जाता था और इनके दोस्त थोड़े कम थे, तो इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि लोगों को वैलिडेशन चाहिए, भले से वो गिटार बजाने से मिले या फिर कॉमेडी करने से। 7th, 8th, 9th, 10th were pretty bad, like I would never talk about my feelings, never nothing of that. I would scare ki I would probably lose this friend. So I would just, my entire goal would be if I am in the room, I want to make them laugh. लेकिन ये तो वही पुरानी बात है, अब क्या? तो समय भैया के कॉमिक स्थान में आने के बाद में लग गया लॉकडाउन और इनको रोजगार मिला अन्य क्रिएटर रोजगार योजना में, और इन्होंने फिर उसके बाद में शुरू करा लाइव चेस खेलना क्योंकि चेस में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने कहा दुनिया को इससे जोड़ा जाए, बाप इससे लोग जिस चीज से भागते हैं उनको जबरदस्ती ए खेल तू चेस, तू खेल चेस लूडो। तो आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो कि मैं चेस के बारे में क्या ही जानता हूँ, मुझको बस इतना पता है इन लोगों ने इस समय के बीच में 25 लाख तक जमा कर लिए चैरिटी के लिए चेस खेल खेल के, और ये सब बस हुआ लोगों के इनके चेस को शेयर करने से। शेयर की शक्ति समझ सकते हो तो समझो शेयर करना कितना जरूरी है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इस वीडियो को शेयर करो जिससे आपको भी क्या पता मिल जाए शाउट आउट में ट्राई की तरह। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे को टैग करना है और सारे भैया को जरूर टैग कर देना, नहीं तो फिर मेरे सामने कुछ मत, क्योंकि बाय चांस वीडियो तक पहुंच गया तो ये उदम मचा देते हैं। आपने नहीं सुना क्या टीवी बता रहे थे एक बार देखो, बस नमस्कार देवी सज्जनों भाइयों बहनों, गलती से भी इस मासूम शकल पे ना जाएं, इस मासूम शकल के पीछे छुपा है एक वैशी दरिंदा जो लोगों के कमेंट सेक्शनों में जाके दंगे करवा देता है। कुछ महीनों पहले की बात है, अवंती नागरन नाम की एक मासूम महिला का ब्रेकअप हुआ था, तो पूरा इंटरनेट या तो उसके मजे ले रहा था या उसे सहानुभूति दे रहा था, तब ये व्यक्ति उसे कमेंट सेक्शन में जाके कहता है, बंदा छोड़ के गया तो क्या होता है, पैसा तो मिलेगा ना इस वीडियो से, कैसे सिपट्टे से लड़की की असली मानसिकता लोगों के सामने लाके रख दी। और ये तो कुछ नहीं, ट्विटर पे भी इन्होंने काफी कांड कर रखे हैं। कुछ समय पहले इन्होंने एक ट्वीट डाला था, मैंने अपनी बंदी का ट्वीट में मजाक उड़ाया था तो उसने कह के मेरा ट्वीट को डिलीट करवा दिया, तो जब तू गर्भवती हो जाए और मैं अपने बच्चों को अबॉर्ट करने की बोलूं तो मुंह मत चलाइयो। ये ट्वीट की बात पूरी दुनिया की फेमिनिस्टों ने आके इनकी भलाइयां ले ली, की बोला तो बोला कैसे, ये ट्वीट बताता है इस बंदे की मानसिकता को कि कितने प्यार से उस लड़की से बोल रहा है प्लीज बच्चे को अबॉर्ट कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जीनों से धक्का दे देते हैं और हो गया अबॉर्शन।
बस यही तक था इनका YouTube का सफर। इसी के साथ आते हैं अपन मॉरल ऑफ द स्टोरी पे। समय की बहुत कमी है, ये वीडियो खत्म हो चुका है, जाके अब काम धंधा करो, और करना है तो ठीक वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है कहानी, एक बद्दी कहानी। 10 दिन के अंदर 5 वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, रेडी रहो अगली वीडियो के लिए। बाय।